आई कार्ड अपने भाई से बनवाने के बाद आरक्षक बनकर युवक को पसंद आ चुकी युवती को झांसे में लेकर शादी कर ली। युवती को शंका ना हो इसके लिए आरोपी वर्दी पहनकर घूमने लगा और लोगों को शंका ना हो इसके लिए खुद को एक मंत्री का PSO बताकर क्षेत्र में नशा का अवैध कारोबार करवा रहा था। कुछ लोगों से आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर रुपए भी ले लिए। बताया जा रहा है कि फर्जी पुलिस बनकर लोगों को धमकाने वाले युवक की सूचना पर ACCU व तखतपुर पुलिस के साथ जूनापारा भौरा कचार में दबिश दी। टीम को एक युवक वर्दी पहने हुए दिखाई दिया। टीम ने जब पूछताछ की तो युवक ने अपना नाम यज्ञ कुमार पिता फूलचंद यादव निवासी ग्राम भौरा कचार जूनापारा का होना बताया। गिरफ्तार युवक का महिलाओं के प्रति अधिक रुझान था। महिलाओं को प्रभावित करने के लिए युवक के द्वारा पुलिस का वर्दी पहनकर अनैतिक कृत्य किया गया। झूठ की बुनियाद में युवक के द्वारा दो शादियां की गई। जब पहली पत्नी को युवक के द्वारा दिए जा रहे हैं धोखे की जानकारी मिली तो उसके द्वारा संबंधित विभाग को फर्जी पुलिस होने की जानकारी दी। इसी के चलते आरोपी युवक आज सलाखों के पीछे है। टीम ने फर्जी पुलिस कर्मी युवक से फर्जी दस्तावेज लाइटर पिस्तल वर्दी व आई कार्ड के साथ गिरफ्तार कर लिया। निजात अभियान के दौरान मुखबिर सूचना मिला कि एक युवक ग्राम भौरा कछार में पुलिस वर्दी पहनकर अपने को पुलिस वाला बताकर लोगों को शराब बिक्री करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए तथा रोजगार दिलाने की बात करते हुए व मंत्री माननीय मंत्री जय सिंह का PSO बताकर ऐसा धौंस दे रहा है। इस सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ACCU टीम व थाना की टीम संयुक्त रूप से पहुंचकर रेड कार्रवाई की गई, जिसमें वह युवक कम्बेड वर्दी के साथ पाया गया। उसमें उसके पास पुलिस का आई कार्ड भी था, कमर में पिस्टल लाइट पिस्टल गन रखा हुआ था। पूछताछ करने पर बताया कि वह भौरा कछार का निवासी है, उसका नाम यज्ञ कुमार यादव है और दो शादी भी किया था। सेकंड शादी जो किया तो अपने पुलिस वाला हूँ बोलकर अपनी पत्नी को बताकर झांसा देकर शादी किया था। उसके पास से ये वर्दी कैप बेल्ट पुलिस का आई कार्ड जूता और लाइट पिस्टन गन जब्त की गई है। आरोपी का कृत्य फर्जी पुलिस का पाए जाने से वैधानिक कार्रवाई कर रिमांड पर भेजी जा रही है। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।